उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को राज्य का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य सरकार का बजट पेश किया। इसके बाद बजट पर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। बीएसपी प्रमुख बहन जी ने प्रतिक्रिया दी है। बहन जी ने कहा, यूपी सरकार द्वारा सदन में आज पेश बजट जनहित व जन कल्याण का कम एवं लोकसभा चुनाव स्वार्थ को लेकर पुनः वादों का पिटारा। क्या इस अवास्तविक बजट से यहाँ की जनता का हित व कल्याण तथा भारत का ग्रोथ इंजन बनने का दावा पूरा होगा? कर्ज में डूबी यूपी को भ्रमकारी नहीं रोजगार युक्त बजट चाहिए। बीएसपी चीफ ने कहा, यूपी भाजपा सरकार अपनी बहुप्रचारित घोषणाओं, वादों व दावों को ध्यान में रखकर यहां महंगाई से त्रस्त लगभग 24 करोड़ जनता की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ेपन एवं अराजकता आदि से उत्पन्न बदहाली को दूर करने हेतु अपनी कथनी व करनी में अंतर से जनता के साथ विश्वासघात क्यों? बसपा प्रमुख ने कहा, यूपी सरकार द्वारा लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर नए भ्रमकारी वादे व दावे करने से पहले पिछले बजट का ईमानदार रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने नहीं रखने से स्पष्ट है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में प्रति व्यक्ति आय व विकास की जमीनी हकीकत मिथ्या प्रचार व जुमलेबाजी बजट ऊंट के मुंह में जीरा। उन्होंने कहा, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रति व्यक्ति आय में अपेक्षित वृद्धि, रोजगार व सरकारी भर्ती आदि तो दूर, उन पर कर्ज को बढ़ता बोझ सरकार की गलत नीतियों व प्राथमिकताओं का प्रमाण। कर्ज के बढ़ते बोझ से स्पष्ट है कि सरकार दावों एवं प्रचारों के विपरीत हर मोर्चे पर विफल हो रही है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के इस बजट का प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार।